हाँ हेलो एवरीवन, ये एक नया प्रैक्टिस सेट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई समूह नहीं है? टेम्पररी, देखिए ऑडियंस टेम्पररी है, पब्लिक भी है, फैमिली इज परमानेंट ग्रुप, फैमिली ख़त्म नहीं होता है। बी इज द राइट आंसर। संघर्ष एक प्रक्रिया है, अचेतन चेतन पूर्ण चेतन इनमें से कोई नहीं। बी, कौन सा आप सोच समझ के किसी से लड़ाई करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? सामाजिक संरचना का अंग सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक समस्याएं, सोशल पैटर्न, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक समस्याएं किसी भी संरचना का पार्ट नहीं होता है, वो समस्या उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली निकलती है, उभरती है। परिस्थिति शब्द शास्त्र, परिस्थिति शास्त्र इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेकल, ए इज द राइट आंसर। सात्मीकरण एक असहयोगी प्रक्रिया है, सत असत इनमें से कोई नहीं, आंशिक सत। असत, बी फॉल्स। एसिमिलेशन इज एसोसिएटिव प्रोसेस, सामाजिक अंतःक्रिया की मुख्य विशेषता है, सोशल इंटरेक्शन की, सोशल डिस्टेंस, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक संपर्क। सी सोशल कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट होगा तभी संपर्क होगा, तभी इंटरेक्शन होगा। व्यवस्थापन एकोमोडेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रेम त्याग संघर्ष। सी इज द राइट आंसर। कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी आप समझौता करेंगे, व्यवस्थापन करेंगे, समायोजन करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण समाज का वर्टिकल डिवीजन है, हॉरिजॉन्टल है, बोथ है। वर्टिकल है, ए इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वाधर, क्योंकि कई पदों को उच्चता और निम्नता के आधार पर बांटा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारजात्मक सिद्धांत किसने दिया? किंग्सले लेविस एंड विल्बर्ट मूर, ए इज द राइट आंसर, फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। निम्नलिखित को सही रूप में मिलाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग संस्कृत योगबर्न का है, सोशल ऑर्डर आपको मिल जाता है रॉबर्ट बियर स्टेट और हेरिडिटरी मेंडल, लेबर वेलफेयर इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये आप कर लेंगे। कॉल मास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्तरीकरण का आधार है? ए इकोनॉमी फैक्टर। सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ई ए रॉस, बी इज द राइट आंसर। सी सी ई ए रॉस। सकारात्मक नकारात्मक समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण को किसने वर्गीकृत किया? कॉल मैनहिम, किम्बल योंग, कूले एंड किंग्सले डेविस, इसका भी आंसर आपको करना है। ए या बी इसमें राइट आंसर है, आप इसको पता करके कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। अनुच्छेद 17 संबंधित है, बहुत ही मशहूर है। बी अनटचेबिलिटी से। अनुच्छेद 25 संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ए इज द राइट आंसर। सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स, सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स हैज बीन गिवन बाय, इसको भी आपको आंसर करना है, ऑगबर्न या सोरोकिन। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, बी एम एन श्रीनिवास। प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, काका कालेलकर, बाबू जगजीवन राम, बी एस गुहा। राइट आंसर इस ए और बी, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर कीजिए। भारत में दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया?
बहुत आसान है। ए महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। भारत में समन्वित जनजातीय विकास योजना प्रारंभ की गई, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका भी उत्तर आप सर्च करें और कमेंट बॉक्स में करें। भारतीय समाज के लेखक, इंडियन सोसाइटी के लेखक कौन हैं? जीएस घुरिए। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, इसको भी आप पता करें इसके बारे में। किसने कहा जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं? When a class is somewhat strictly heredity, we may call it caste. मैं आपको क्लू देता हूं, बी और सी में सही आंसर है चार्ल्स कोले या मदन एन मजुमदार। नेक्स्ट, एक कानूनी या धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंग के दो व्यक्तियों के यौन संबंधों को स्थापित करने और उनसे संबंधित सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों में भाग लेने का उन्हें अधिकार देती है। इसको भी आप करेंगे, इसका सही आंसर या तो मदन एवं मजुमदार होगा या कूले होगा। आश्रम व्यवस्था के कितने चरण हैं आप जानते हैं? इसका राइट आंसर ए है, 4। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक बहुत मशहूर है, इसके लेखक हैं पीएच प्रभु। ए इज द राइट आंसर। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, इसका राइट आंसर भी आप तलाशें। मुस्लिम विवाह एक समझौता है, सत्य है या असत्य है? ये बिल्कुल सही है, ट्रू, सत्य। धर्म अर्थ काम की समन्वित व्यवस्था का नाम पुरुषार्थ है, आंशिक सत्य, डी। एक्चुअली इसमें होना चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को छोड़ दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। विशेष विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, असत्य। 1954 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ है, विशेष विवाह 1954 में। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ए के एम कपाडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, सी इज द राइट आंसर, एम एन श्रीनिवास। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, राइट आंसर ए। हबेल का ये स्टेटमेंट है। जाति एक अर्जित परिस्थिति है, असत। जाति अर्जित नहीं है बल्कि आप जाते हैं जाति, वंश, लिंग, ये प्रदत्त परिस्थिति है। संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा किसने दी? कल्चरल पैटर्न, रुथ बेनेडिक्ट, बी। जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सी सेनार्ट। नेसफील्ड ने व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हिंदू विवाह का आधारभूत नियम कौन सा है? डी उपर्युक्त सभी, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और अनुलोम भी है और प्रतिलोम भी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं ए योगेंद्र सिंह। हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं ए वाइजर, डब्ल्यू एच वाइजर। सुमेलित कीजिए, राक्षस विवाह का एक प्रकार है, गोत्र नातेदारी से संबंधित है, अनुसूचित जाति साइमन कमीशन और परिवार एक संस्था है। तो ये रहा कुल मिलाकर के।
नेक्स्ट, कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक के लेखक हैं ए बी आंद्रे बेत्तई। कास्ट ओल्ड एंड न्यू, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया? डी एस सी दुबे। सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख समाजशास्त्री कौन हैं? सी टॉलकॉट पार्सन्स। किस सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को अर्जित करता है? ए कल्चरेशन, बी सामाजिक सहिष्णुता के समूह की विशेषता है? बारह समूह की सामाजिक सहिष्णुता की सबसे बड़ी विशेषता हो जाएगी प्राथमिक समूह की। प्राथमिक समूह की इसलिए होगी क्योंकि प्राथमिक समूह में लोग सहिष्णु ज्यादा रहते हैं। संघर्ष सहित परिस्थिति में तालमेल कहलाता है समायोजन। सी इज द राइट आंसर। देखिए यहां समायोजन, समायोजन दो तरह से है। कई बार स्टेटमेंट कई क्वेश्चन के थोड़ा उल्टे हो गए हैं, यहां कंपटीशन है कंफ्यूज करने के लिए, तो सी इज द राइट आंसर। संघर्ष के बाद ही समायोजन होता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के विशेषीकृत अंगों की अन्योन्याश्रितता के आधार पर बना एकीकरण कहलाता है दैट इज कॉल्ड सोशल इंटीग्रेशन। राधा कमल मुखर्जी का नाम किस पुस्तक से जुड़ा हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू, बी मूल्यों की सामाजिक संरचना। सामाजिक व्यवस्था के घटक तत्वों में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? फॉर्म्ड अमंग द यूनिट्स ऑफ सोशल सिस्टम, यांत्रिक संबंध, प्रकारजात्मक संबंध, आकस्मिक संबंध, इनमें से कोई नहीं। प्रकारजात्मक संबंध, बी इज द राइट आंसर। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं ए गिलेन एंड गिलेन। तो ये रहा कुल मिलाकर के, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। कई बार किताबों के नाम एक जैसे हैं, कास्ट एंड एसे, कास्ट एंड अदर एसे, कास्ट एंड क्लास, कास्ट एंड कल्चरल क्लास, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली एंड किनशिप इन इंडिया, तो इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये काम आपको करना है, प्रैक्टिस करके क्लियर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।